हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट की। तो देखिए, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है और सिंपल इफ स्टेटमेंट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग समझते हैं कि नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। तो फर्स्ट वी राइट नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें देखिए क्या होता है कि सॉरी, इफ वी राइट एन एंटायर इफ एल्स कंस्ट्रक्ट विद इन आइदर द बॉडी ऑफ द इफ स्टेटमेंट और द बॉडी ऑफ द ऑफ एन एल्स स्टेटमेंट, दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ इफ। मतलब कि अगर हम इफ के इफ और एल्स के अंदर हम कोई दूसरा इफ और एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं तो इस तरह के स्टेटमेंट को नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए, इसके लिए हम आपको एक प्रोग्राम से समझाते हैं। सपोज कीजिए हमने से ये पहले कमेंट लाइन लिखिया कि हमने लिखा कि एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसको जब हम प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे तो इसको प्रोग्राम किस तरह लिखेंगे। सबसे पहले हमने लिखा से सपोज कीजिए हमने जो हेडर फाइल्स वगैरह इंक्लूड करते हैं उसके बाद हम लिखा मेन, ठीक है, और ये मेन की बॉडी यहाँ से स्टार्ट होगी। उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, सपोज कीजिए इंटीजर एक्स, ये हमने डिक्लेयर कर दिया। अब हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू हम इनपुट कराते हैं। तो हमने लिखा पहले प्रिंट एफ और हमने लिखा एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, या हमने कहा कि एंटर आइदर वन और टू, मतलब आप एक एंटर कीजिए या दो एंटर कीजिए। और उसके बाद हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे स्कैनअप दे के, चूंकि इंटीरियर टाइप डाटा है तो परसेंटेज डी हमने दिया और एम% एक्स दे दिया हमने। ये वैल्यू हमने इनपुट करा दी एक्स की। अब इसके बाद क्या होगा कि हम इफ स्टेटमेंट लगाते हैं। तो हमने कहा इफ एक्स इज इक्वल टू वन चेक करना है, तो हमने इफ एक्स लिखा। और आपको मालूम है कि सी ऑपरेटर के केस में इक्वल टू को जो हम लोग नॉर्मल मैथमेटिक्स में इक्वल टू लेते हैं वो सी में असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो यहाँ जब डबल इक्वल टू साइन लगाएंगे ये सी के अंदर इक्वल टू होता है। तो हमने लिखा इफ एक्स इक्वल टू वन, तो हमें क्या करना है, हमने कहा कि मान लीजिए हमने ये प्रिंट करना है, हमने कहा प्रिंट एफ और हमने लिख दिया कि यू आर ए गुड स्टूडेंट। तो हमने यहां लिख दिया यू आर ए गुड स्टूडेंट, ठीक है। ये तो हो गया अगर वन इनपुट हुआ है तो। एल्स, तो अब एल्स के लिए आप क्या करेंगे, तो आपने यहां पे दिया एल्स। अब एल्स के अंदर मान लीजिए हमें दो कंडीशन देखनी है कि अगर मान लीजिए वन और टू के अलावा किसी ने फाइव एंटर कर दिया तो क्या करना होगा। तो एल्स में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमने एल्स की बॉडी शुरू की, फिर हमने चेक किया यहाँ पे इफ एक्स इज इक्वल टू टू, ठीक है। तो अगर एक्स इक्वल टू टू है तो हमने प्रिंट एफ करा दिया, प्रिंट एफ, ठीक है, यू आर ए से हमने लिख दिया वीक स्टूडेंट, वीक स्टूडेंट, ठीक। और मान लीजिए किसी ने वन और जैसे वन या टू के अलावा किसी ने फाइव एंटर कर दिया या किसी ने सिक्स एंटर कर दिया, ठीक है, तो हमने कहा कि उस केस में हमको मैसेज देना है कि रॉन्ग एंट्री। तो हमने यहाँ पे इफ के बाद एल्स लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद हम ये लिख देंगे कि से एल्स, यहाँ पे हमने लिख दिया प्रिंट एफ और यहां पे हमने लिख दिया रॉन्ग एंट्री, क्लियर। यहां पे एल्स का स्टेटमेंट एंड हो जाएगा। यहां पे ये जो बॉडी एंड होगी ये इफ की, ये एल्स की बॉडी एंड हुई और चूंकि मेन की बॉडी यहां से शुरू हुई थी तो उसको हमने यहां पे एंड कर दिया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इफ के अंदर यहां पे इफ शुरू हुआ, एल्स की बॉडी के अंदर यहां पे एक और इफ एल्स है। तो इस तरह का जब हम प्रोग्राम बनाते हैं
इस तरह के प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के प्रोग्राम को हम बोलते हैं नेस्टेड इफेंस। ठीक है, अब इसमें एक दो पॉइंट जो ध्यान देने वाली है वो आप इसको ध्यान से सुनिए कि इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए जो अभी हमने एग्जांपल दी इसमें ये नोट कीजिए कि दैट द सेकेंड इफेंस कंस्ट्रक्ट इज नेस्टेड इन द फर्स्ट एल्स स्टेटमेंट। इफ द कंडीशन इन द फर्स्ट इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स देन द कंडीशन इन द सेकेंड इफ स्टेटमेंट इज चेक। इफ इट इज फॉल्स एज वेल देन द फाइनल एल्स स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। तो ये चीज क्लियर है। तो इस तरह की एग्जाम्पल को हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट देते हैं। अब इसमें एक दो चीजें जो इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करने में जो जनरली प्रॉब्लम आती है या एरर हो सकती है उसको आप ध्यान रखिए। तो इसको आप लिख सकते हैं कि आप यहाँ पे लिखिए फॉर्म्स ऑफ इफ, फॉर्म्स ऑफ इफ स्टेटमेंट, मतलब इफ स्टेटमेंट को कितने फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे पहला से सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया, हमने कहा इफ, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे हम दे देंगे कंडीशन। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही तो हमने लिख दिया डू दिस, यानी अगर ये है तो आप ये काम करो। सेकंड इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, हमने मान लीजिए हमें मल्टीपल स्टेटमेंट देना है तो हमने फिर से लिखा इफ, यहाँ पे हमने क्या दिया, यहाँ पे हमने दिया कंडीशन, और उसके बाद अगर मल्टीपल स्टेटमेंट देना है तो कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे। हमने कहा डू दिस, ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा एंड दिस, फिर मान लीजिए और स्टेटमेंट देना, हमने कहा एंड ऑल्सो दिस, मतलब जो भी स्टेटमेंट आपको देने हैं वो अगर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट देने हैं तो आप कर्ली ब्रेसेस लगा के उसके अंदर देंगे। तो सेकेंड फॉर्म तो ये हो गई इफ की। अब आ जाइए थर्ड फॉर्म जो हम लोग पढ़ चुके हैं इफ एल्स स्टेटमेंट, उसमें क्या था, हमने कहा इफ, यहाँ पे हम क्या देंगे कंडीशन। ठीक, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्या करना है, डू दिस, ये काम करो। एल्स मान लीजिए कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर ये काम करो, डू दिस। ठीक, तो ये तीसरी फॉर्म हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाइए, मान लीजिए यहीं पे ए बी सी हो गया, मान लीजिए हमने लिखा डी। नेक्स्ट जो इसको हम किस तरह दे सकते हैं, अगर हमें दोनों में इफ में और एल्स में दोनों में मल्टीपल स्टेटमेंट देना है तो दोनों में हमें कर्ली ब्रेसेस यूज करने पड़ेंगे। मतलब हमने कहा इफ और यहाँ पे हमने दिया कंडीशन। ठीक है, अब हमने कहा यहाँ पे दे दिया डू दिस, उसके बाद फिर हमने कहा एंड दिस, जितने भी स्टेटमेंट देने हैं करके आप ये कर्ली ब्रेसेस एंड कर देंगे। फिर आप लगाइए एल्स, अब एल्स में भी आपको अगर कई स्टेटमेंट देने हैं तो आपने कहा एल्स में, फिर आपने यहाँ पर कह दिया कि ये काम करो, नहीं तो और ये काम करो, और ये आप जब भी आपको मल्टीपल स्टेटमेंट देना होगा आप कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे। अब उसके बाद नेस्टेड इफ की एग्जांपल समझ लीजिए। तो मान लीजिए हमने कहा ई लिखा, हमने यहाँ लिखा इफ, फिर हमने यहाँ पे लिखा कंडीशन, जो भी कंडीशन है, तो अगर यू कंडीशन ट्रू है तो हमने लिख दिया डू दिस। ठीक, ये हो गया। और एल्स, अब एल्स में मान लीजिए हमको फिर से एक कंडीशन लगा के चेक करनी, तो एल्स में ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हम यहाँ एक कंडीशन देंगे इफ, यहाँ हमने दिया कंडीशन, अब ये ट्रू होती है तो डू दिस। ठीक, एल्स तो यहाँ हमने लिख दिया एल्स, और इसमें अगर मल्टीपल स्टेटमेंट है तो हम लिख देंगे डू दिस एंड दिस, ये एंड हो जाएगा। यहाँ पे ये एल्स की बॉडी एंड होगी, यहाँ पे इस एल्स की बॉडी एंड होगी। तो इस तरह से आप डिफरेंट फॉर्म के इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, और अगर आप इसी सिंटेक्स में यूज करेंगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट लाइन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये तो हो गया, हमने एल्स स्टेटमेंट में मल्टीपल स्टेटमेंट दिया है। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि अगर इफ कंडीशन के अंदर ही हमको मल्टीपल स्टेटमेंट देना है तो उसको भी मान लीजिए हम यहाँ से नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। मान लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गई, सपोज कीजिए हमने कहा इफ और ये दे दिया हमने कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या करेंगे, तो फिर हमने लगाया इफ और इसके अंदर ये कंडीशन दिया हमने, और अगर ये भी ट्रू है और हमें कई काम करने हैं तो हम लिख देंगे डू दिस एंड यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएंगे स्टेटमेंट एंड होने का एंड
दिस ऐसे लगाएंगे, और फिर इसको हमने मान लीजिए बंद किया। अब ये अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हमने यहाँ लिखा एल्स। अब इस सेल्स में भी मल्टीपल स्टेटमेंट दे रहे हैं तो फिर से ये ब्रैकेट लगाएंगे। हमने कहा डू दिस एंड दिस, जितने भी स्टेटमेंट देने हो यहाँ पे आप दे दीजिए, इसको बंद कीजिए, तो ये एल्स बंद हुआ। फिर ये जो इफ शुरू हुआ है इसको बंद करेंगे, तो देखिए ये शुरू हुआ यहाँ से, यहाँ बंद हो गया, फिर यहाँ से यहाँ बंद हो गया। अब इस इफ को शुरू करेंगे तो हमने ये बंद हुआ। अब हमने कहा इस इफ के अगेंस्ट अगर हमें एल्स स्टेटमेंट देना है तो फिर हम यहाँ लिखेंगे एल्स, और उसके बाद अगर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट देना है तो कर्ली ब्रेसेस यूज कीजिएगा, और अगर एक सिंगल स्टेटमेंट देना है तो एल्स के बाद आप लिख देते हैं डू दिस। तो ये चार पांच तरह के डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इफ स्टेटमेंट हैं। इनको आप अपनी प्रॉब्लम के स्टेटमेंट के हिसाब से जैसी आपको जरूरत हो वैसे आप यूज कर सकते हैं। तब भी कोई अगर डाउट या कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट क्लियर हो रहा हो, पसंद आ रहा है, तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए। थैंक यू।